नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू राय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया और योगाभ्यास के दौरान कुल 13 आसनों को आजमाया। इस कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। ऐतिहासिक योग दिवस का साक्षी बना रांची का यह प्रभात तारा मैदान, जहां तकरीबन 40,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं योग है तो शरीर स्वस्थ है। हमारे ऋषि मुनि का ये देन है कि भारत में तकरीबन 5,000 वर्ष पूर्व से ही योग की शिक्षा हमारे भारतीयों को दी जाती है और जिसके कारण शरीर से लेकर मन तक स्वस्थ रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी के जवान के साथ कई तरह के आसन कर रहे हैं और उनको देख के लगभग इस 40,000 लोग हैं वो सभी उनके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। इस मैदान में हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, स्कूली छात्र से लेकर सरकार में मौजूद मंत्रीगण और IPS IAS आला अधिकारी सभी इस योग अभ्यास में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का शुरू से ही मानना है कि योग के माध्यम से भारत को फिर से विश्व गुरु के पटल पर ले जाना है और विश्व गुरु के पटल पर ही स्थापित करना है, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व में किया था। देखा जाए तो भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब से फिर भारत जो विश्व गुरु की ओर बढ़ चला है उसे फिर से स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं और लगातार जो योग के माध्यम से प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं। हम लगातार यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री रांची के प्रभात तारा मैदान से योग को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे विश्व के नक्शे पे ये प्रभात तारा मैदान एक तरह से स्थापित हो चुका है। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सन्मार्ग, रांची।